नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्टो स्टाइल पिज्ज़ा। अगर आपको कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे पिज्ज़ा बनाना है, आज हम आपको सिखाएंगे। इवन पिज्ज़ा डोज भी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से पका होगा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी होगा और घर में ही आप ऐसे पिज्ज़ा बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पिज्ज़ा बनाना। सबसे पहले हम एक बॉल में एक कप हल्का गुनगुना गर्म दूध डालेंगे और फिर हम इसमें एक कप पानी डालेंगे। फिर इसमें हम एक अंडा डालेंगे। अंडा ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। फिर एक चम्मच हम गुड़ डालेंगे और एक चम्मच हम यीस्ट डालेंगे और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हम चिकन में एक थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घाटी मिर्ची का कुकी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का बुक्की, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला हम डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्सचर को हम साइड में रख लेंगे चिकन का। अब हमारा यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो अब हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 कप मैदा इसलिए लिया है क्योंकि हम 2 पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। ठीक है, आप जो मैदे का क्वांटिटी है, आपको जितना पिज़्ज़ा बनाना है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम आटे के जैसे हम रोटी का आटा मलते हैं वैसे हमें इन सब चीज़ों को मल लेना है और ऐसा आटे का ये बना लेना है। फिर इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो आटा है हमारा उसको अच्छे से लगाकर इसको हम रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी करते हैं। हमने एक पैन में पानी डाल के उसे हल्का गर्म कर लिया है और इसमें 2 टमाटर डाला है और हमें टमाटे को अच्छे से उबाल लेना है, टमाटर पक जाए वैसे। फिर हम टमाटे को निकाल लेंगे, ध्यान रखिए टमाटर गर्म होगा। तो अब हम इस टमाटे में चीरा मार के जो टमाटे का छिलका होता है वो पूरी तरीके से निकाल लेंगे अच्छे से और इसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे काट के हमारा जो टमाटा है उसे हम पीसेस में काट लेंगे। यही सेम चीज़ हमें दूसरे टमाटे के साथ भी करनी है। हमने दूसरे टमाटे का भी छिलका निकाल लिया है और इसे हम काट कर हमारे पास जो मशीन है उसमें हम इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो आप मिक्सर में भी 1-2 बार आप घुमा लीजिए और टमाटे का ऐसे प्यूरे बना लीजिए। हमने भी यहाँ पर टमाटे का प्यूरे बना लिया है और साइड में निकाल लिया है। अब हम पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हमने एक छोटा बारीक कांदा काटा है वो डालेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद हमने 2-3 लहसुन डाला है ठेस के, उन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसमें एक छोटा सा कैप्सिकम बारीक काट के डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गोभी डालेंगे। हमने पिज़्ज़ा है उसमें थोड़ा सा भाजी भी डाला है ताकि पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से बने। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची का बुकी और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमें जो हमने टमाटो का प्यूरे बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे। जो भाजी है वो हमारा इसमें गल जाना चाहिए। फिर हम इसमें जो कोतमीरी होता है वो हमने थोड़ा सा इसमें डाला है और इन सबको पकाने के बाद हमने थोड़ा सा मकई का आटा जो है 1/2 चम्मच वो थोड़ा सा हमने पानी में घोला है वो हम इसमें डालेंगे ताकि जो सॉस है थोड़ा सा गाढ़ा हो। और बस हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है वो रेडी है। अब 1/2 घंटा हो चुका है, जो हमने पिज़्ज़ा डो रेस्ट के लिए रखा था वो हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिज़्ज़ा डो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइज़ में। आप यहाँ पर मेजरमेंट में भी देख सकते हो कि हमारा पिज़्ज़ा डो है बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब हम जो वेजिटेबल कटर है उसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे और हमारा जो पिज़्ज़ा डो है उसे निकाल लेंगे बोल में से और यहाँ पर रख देंगे इसके ऊपर। अब हमें इसे अच्छे से फिर से मल लेना है। जो हमारा पिज़्ज़ा डो है उसे बनने के लिए टाइम लगता है। अगर आपको रेस्टोरेंट या होटल जैसा ही पिज़्ज़ा खाना है और डो भी घर पे ही बनाना है तो टाइम इज़ द की। आपको पिज़्ज़ा डो को बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्ट देना है।
अब हम पिज़्ज़ा जो डो है उसका दो पार्ट्स कर लेंगे। हमने पहले से डिसाइड किया था कि हमें दो पिज़्ज़ा डो बनाना है, तो यहाँ पर भी हम जो आटा मलते हैं, वैसे लोरी बनाते हो आप आटे को गोल गोल कर लेते हो, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। और फिर से हम जो वेजिटेबल कटर है उसमें आटा डाल के दोनों भी लोरी को अच्छे से रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि जो हमारा डो है फिर से साइज़ में डबल हो चुका है। अब हम एक पिज़्ज़ा डो को अगेन वेजिटेबल कटर में थोड़ा सा आटा डाल के रख लेंगे और हम हल्के हाथों से यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा का साइज़ शेप देने के लिए अपना हाथ ही यूज़ किया है, हल्के हाथों से मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा को शेप दे रही हूँ। आप चाहते हो तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हाथ ही यूज़ कीजिए, इससे जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और अगेन अगर आपको अच्छा थोड़ा बड़ा साइज़ शेप देना है पिज़्ज़ा को, तो आप ऐसे ही एक हाथ से दूसरी हाथ में से ऐसे कीजिए और आपका जो भी मनचाहा साइज़ हो, थिकनेस हो, आप एडजस्ट कर लीजिए। अब हम पिज़्ज़ा जो सॉस हमने बनाया था वो पिज़्ज़ा में अच्छे से लगा लेंगे। आपको जितना सॉस लगाना है आप लगा लीजिए। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगाने के बाद हमने यहाँ पर अमूल चीज़ लिया है, वो हम पिज़्ज़ा में अच्छे से लगा लेंगे। फिर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो चिकन हम यहाँ पर पिज़्ज़ा में डाल देंगे और हमारा पिज़्ज़ा रेडी है बेक करने के लिए। हमने माइक्रोवेव को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए और फिर हमने पिज़्ज़ा को बेक किया 200 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट के लिए। आप अपना माइक्रोवेव का सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज़ कुछ कुछ माइक्रोवेव में सेटिंग्स अलग होते हैं। बेक करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा कुछ ऐसे बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सेम होटल टाइप का ही पिज़्ज़ा बना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पिज़्ज़ा का चीज़ पुल कितना अच्छा आया है। आप भी ऐसे ही घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़ा बनाना और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।